ओ भाई ओले पड़ रहे हैं। और ये भाई आप बूंद समझ रहे होंगे, बूंद नहीं है ये, ओले पड़ रहे हैं देखो। और भाई जल्दी से जल्दी बन के करा दो, कपल ब्लॉग्स भी आने वाले हैं। वो यही भाई किसी दिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेके जाएगी यूट्यूब पे। अभी तक एक भी बार नहा नहीं पाए भाई हम लोग। काजुओं की कुटाई चल रही है भाई, और यहाँ पे रखे हुए हैं ये छोटे छोटे से बादाम। और भाई कल जो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, मम्मी जो कूट रही थी, वो है भाई ये जो सूखे सिंघाड़े होते हैं, बिल्कुल सूख के भटंट हो जाते हैं ना, उनको पीस के मतलब कूट के उसके बाद मी बनाया जाता है, तब इसका हलवा बन रहा है भाई। आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे बना रही है मम्मी इसको। अभी इनको डाल रही हैं हलवे के लिए, बहुत सारे काजू खिला दिए हमने, अभी बादाम भी खिलाएंगे जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। ये ये मैं बना दूँ। और यहाँ चल रही है भाई काजू खवाई, देखो। तो फाइनली बन चुका है भाई, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है अभी, बहुत ही ज़्यादा। देखो वो तो ले गया, ओए ये तो ले गया भाई, देखो हमसे पहले। अबे ना तो ले पहले, सब चलता है। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है भाई इसकी, और बहुत ही ज़्यादा इसमें काजू और वो क्या है बादाम चिरौंजी डली हुई है, देखो। और जो सूखे सिंघाड़े होते हैं ना, उनका हलवा है, जिनको गुली कहते हैं भाई, जिस जिस को पता है तो वो ज़रूर कमेंट में बताए। वैसे गांव के लोगों को ज़्यादा पता होता है, और ज़्यादातर को पता ही होता है वैसे, ये महाशिवरात्रि में बनाया जाता है भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड मेरा नाम रोहित कुमार है, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड आई होप कि सब लोग एकदम अच्छे होंगे। सो अभी हो चुके हैं भाई 10:50, और भाई देखो हलवा बन रहा है जो आपके लिए दिखा दिया मैंने ब्लॉग शूट करने से पहले। मैंने शूट कर लिया भाई हलवे का, तो और भी दिखा देता हूँ आपको। अभी चल रहा है प्रोसेस, देखो राहुल तो ले गया भाई, मैंने अभी नहीं खाया, अभी तो मैं चावल खा के तब खाऊंगा शायद, लेकिन मैं इसको गरम गरम खाता हूँ। बस ठंडा हो गया ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा इसको, कैंसिल है इसको खाना। जब ठंडा हो जाता ना तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो शायद मैं चावल से पहले खा लूँ, चावल बाद में खा लूँगा। अभी खाना भी रह गया मेरा, सब कुछ रह गया है, मतलब अभी 10:50 हुई है ना इस वजह से, और ना के तो मैं फ्री हो चुका हूँ, बाकी बस खाना रह गया है मेरा। तो भाई बहते हुए हलवा में मैं भी हाथ दे लेता हूँ, चलो हर कोई तो नदी में देता है, लेकिन मैं हलवे में लूँगा। तो भाई चलो आ गया है, चलो मैं खा लेता हूँ गरम गरम, वरना ठंडा हो गया ना तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहीं के यहीं रखा रह जाएगा फिर ये। कितनी खुशबू आती है, मस्त हलवा खा के फुल्ली फ्री हो चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त ही लगता है ये तो हमेशा, एकदम टेस्टी टेस्टी। अरे ये यार आइसक्रीम खाई जा रही है सुबह सुबह से बंदे, आइसक्रीम पीछे पड़ जाता हूँ मैं, तू क्या सोच रहा है, फेंकने तक पीछे पड़ जाता हूँ मैं। बाकी मैं अब नहीं खाऊंगा इसको, क्योंकि ये ठंडा होकर जम जाएगा भाई, और ठंडा होने के बाद मैं नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी, मेरे को इतना सा भी अच्छा नहीं लगता ये ठंडा होने के बाद, इसी वजह से भाई एक बार ही खाया मैंने बस, उसके बाद अब कैंसिल है इसको खाना, क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, ना ही सूजी का हलवा अच्छा लगता है ठंडा, और ना ही ये वाला। भाई देखो वाइट कलर में बहुत ख़तरनाक लगती है यार ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अरे हुई हुई कर रहा, धूम हो रहा पूरा धूम भाई। बाकी मैंने कल ये चमका दी थी, थोड़ा पानी ले लेके ऐसे ऐसे कर करके, क्योंकि इसमें ना मक्खियाँ पोटी कर जाती हैं, इस वजह से ले चमका दिए मैंने, देखो अब बिल्कुल भी धूल नहीं है ना ही इस पे। ये क्या हो रहा है भाई? अबे ये तो कल ही हो गया यार, साफ करने के बाद हुआ है ये।
बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो सब कुछ साफ किया था कल मैंने, क्योंकि रील्स बनाने लेके गया था ना इसको, इस वजह से। और भाई जल्दी से जल्दी बन के करा दो, कपल ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, वो सिर्फ आपके हाथ में है। अब बस ये 932 हो गए, कितने रह गए अभी? 68। हाँ 68 रह गए हैं भाई सब्सक्राइब करने को। तो भाई जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करके सपोर्ट करवाओ मेरे लिए, तो जिससे अपने कपल ब्लॉग्स स्टार्ट हो जाएं अच्छी तरह से। तो भाई आपके हाथों में सब कुछ। इंस्टाग्राम पे जाके भी मेरे को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो, क्योंकि कल काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स शूट करके लेके आया हूँ मैं इस पर, क्योंकि मैं बाइक्स की रील बनाता हूँ हमेशा, और बाइक्स की रील्स में जिसको इंटरेस्ट है वो जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लो, यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई। तो जाओ फॉलो करो और इन्जॉय ले सकते हो अपनी रील्स के साथ, काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स डली है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी आपको। देख रहे हो? ओ क्या हो गया भाई, एक दिन देखना आप लोग YouTube पे ये वाली बाइक ना छा जाएगी और मेरे को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगी, देख लेना आप लोग किसी दिन, उस दिन ही बताऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ा मेहनत चल रही है भाई मेरी। तो चलो भाई खाना पीना खा के सब कुछ फ्री हो चुका हूँ, मतलब अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ रिलैक्स होने के लिए। और देखो आज फिर ऐसा मौसम हो रहा है, छाया हो रही है पूरी यार, लेकिन बारिश तो होती नहीं है। छाया होने से फ़ायदा क्या है, छाया मत हो भले ही लेकिन बारिश हो जाए यार, बारिश से ठीक लगता है। अभी तक एक भी बार नहा नहीं पाए भाई हम लोग बारिश में, इसका इंतज़ार है भाई। ओए तो भाई अब आपको मैं या तो बारिश आ जाएगी तब मिलूँगा, या फिर शाम को मिलूँगा सीधा मैं। तो भाई अभी रिलैक्स करने जा रहा हूँ, एकदम ऐसे हो रही है आँखें। चलो आज तो थोड़ा सा मज़ा आ गया, पूरा भीगा हुआ हूँ भाई। देखो अभी अभी आया हूँ मैं, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर से आया हूँ बस, पूरा भीग गया अभी तक मैं। और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ रही है भाई, लेकिन छोटी छोटी बूंद है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो भाई मैं पूरा भीगा हुआ हूँ अभी। मन तो कर रहा है ऊपर जाने का यार, लेकिन चाहता हूँ। तो भाई बारिश फुल मोड पे है, एकदम मस्त बहुत ही ज़्यादा। अरे यार मैं भीग गया ना, तो सोचा भाई कि अच्छी तरह से नहा ही लूँ इस बार। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मेरा फोन पूरा भीग गया थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज बारिश आने लग गई भाई, देख पा रहे होंगे बहुत मोटी मोटी बूंदे हैं। क्या हो गया, बहुत मजा आ रहा है? वो भाई ओले पड़ रहे हैं, देखो मेरी टाट में ना गिर जाए कहीं। देखो ओले हैं, देखो छोटे वाले हैं, देख पा रहे होंगे यार, ओले पड़ रहे हैं यार, 3 कम से कम 8-10 पड़े हैं यहाँ पे। देखो बाहर दिखाता हूँ अभी, देखो बहुत है बहुत, बारिश काफ़ी तेज़ है आज यार। हाँ मैं तो आधी बारिश में नहाया हूँ, काफ़ी तेज़ है बारिश यार, पूरा पानी भर चुका है, देखो देख पा रहे होंगे ना। ऐ ये अब तेज़ हो गई है पहले से, मैं नहाया था ना जब इतनी तेज़ नहीं थी। फ्रेंड्स देखो भरतपुर में ओले पड़ चुके हैं, देख पा रहे होंगे पूरी सीढ़ी भरी हुई है, और उधर देखो कितने ज़्यादा हैं, पूरी सड़क सफ़ेद पड़ चुकी है भाई। देखो कितने मोटे मोटे ओले हैं और कितने भारी मात्रा में यार, ये बहुत ही ज़्यादा। ओ भाई पापा के पड़ चुके हैं, अबे तू चले जा। देखो बहुत ही ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा।
और ये भाई आप बूंद समझ रहे होंगे, बूंद नहीं है ये, ओले पड़ रहे हैं, देखो सीधे ओले, कोई भी बूंद नहीं है। ओ तेरी बहुत ज्यादा तेज है अब की बार यार, बहुत नुकसान होगा भाई, हमें ही नहीं दिख रहा है वरना बहुत ज्यादा नुकसान होगा आज पक्का। देखो उधर कितने हो गए, इधर कितने हो गए, बहुत ही ज्यादा हमारी सीढ़ियों पे ही, बहुत ही ज्यादा है यार। देखो ये जो बूंद टाइप दिख रहा है ना, ये ओले पड़ रहे हैं, अबे यहाँ पे ही बहुत ज्यादा आ गए। तो देख पा रहे होंगे ओले और बारिश के बाद इतना मस्त मौसम हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला। अब भी एकदम नीला नीला आसमान हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी भाई। ओले बहुत ज़्यादा भारी पड़े थे भाई, मतलब बहुत मोटे मोटे और लगातार पड़ रहे थे, मतलब बूंद टाइप में ओले पड़ रहे थे, जितना बारिश आई थी ना उसके बराबर ही ओले पड़ गए थे भाई। और बूंद नहीं आ रही थी, बूंद की जगह ओले पड़ रहे थे बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे। तो भाई आज काफ़ी मज़े आए थे भाई, मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी दिन से नहाया नहीं हूँ बारिश में, तो भाई उसके लगभग एक डेढ़ घंटे बाद ही बारिश आ गई थी, तो भाई आज नाना भी हो गया अपना, बंदा चित्त पड़ा है अभी। तो भाई करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड एंजॉय योर लाइफ विद माय डेली ब्लॉग्स।